महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार, मैं फिर लिबे रह गई आप लोगों बीच में सवाल जवाब कार्यक्रम, जिसके कि पछिल बेर हम लोग कुछ महिलाओं का सवालों का जवाब डॉक्टर संगीता के बटी जाने आपको याद होना है, जब मैं महिलाओं अपन मन में उठने वाले कुछ सवाल डॉक्टर संगीता के बटी पूछें और डॉक्टर संगीता बखूबी उन सवालों का उत्तर ले दें। ये क्रम में आज कुछ अजी महिलाएँ मेरे साथ में छें, जनर बहुत सारा सवाल छे जो उन सवालों के जवाब गए जानन चाहनी, तो किला ने उन सवालों के लिए चलनो आज डॉक्टर संगीता के पास और देखनो कि डॉक्टर संगीता उन सवालों का कसके जवाब दी और हमार महिलाओं के उन सवालों का जवाब मिलो या नहीं मिलो। नमस्कार, मेरा नाम पूजा छ, मैं बना करनीवाल छ। मेरा जो सवाल छ वो अखाँ के लिए बेरोक छ। हम जो छो पढ़ने वाले नंदिन छो तो अक्सर बहुत बार यह हूँ कि जिसके बहुत घाम के हीटर में आँख लाल हो जाने और पढ़ते पढ़ते ले बहुत दिक्कतें हैं जैसे आँखा मटी आँस निकलने और साबुन या फिर कई और कॉस्मेटिकल इसका अगर हम मुखात धोनो छो तो वे आँखा में एलर्जी हो जाए, तो बहुत बार मैं आई फ्लू ला हो तो या फिर आँखा मटी आँस निकलन छे वीलिए हम घरेलू उपाय तो बहुत करनो, जैसे कोई आई ड्रॉप डाल देना हो या फिर गुलाब जल डाल देना हो या थोड़ा बहुत घरेलू जो दवाई हो जाए, लेकिन उन्होंने हमको कि कहना कोई सुविधा जैसे मतलब एक दो पाँच दस घंटे या एक हफ्ते तक ठीक रहो फिर वही समस्या बराबर लगातार हम अगर चलते रहे, तो यह जो कि क्या अगर इस टाइप की दिक्कत है तो कोई आँखा गले बेर कोई बहुत गंभीर समस्या तो नहीं थे या फिर भविष्य में अगर कोई हमारा आँखा गले बेर की उम्र जिसका हमारी उम्र बढ़ते रहें और हम लोग लगातार कंप्यूटर लैपटॉप और किताबों में का ज़्यादा आँख डुबावे भैरन हो तो अगर कभी यह तो नहीं हो सकन कि वील हमारे आँखा में कोई गंभीर समस्या जहाँ जगह हम अनदेखा करनी हो। अगर आपको धूप में चलने में आँखों में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है और आप इसमें गुलाब जल वगैरह तो अभी तो नहीं डालिए, ऊपर से आप अगर कंप्यूटर में भी लगातार काम करती हैं तो आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ सकता है, और अगर आपकी धूप में चलने में अगर आपको खुजली हो रही है, आँखें लाल पड़ रही है तो हो सकता है आँखों में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह डॉक्टर के पास जाके सारी जाँच करानी चाहिए। और कंप्यूटर में काम करने के लिए स्पेशल एक ग्लास होता है जो कंप्यूटर से रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उस टाइप के चश्मे पहन के काम करना चाहिए। मेरा नाम बिमला देवी सा, मैं चेल पर बुलाने गुजार भी अब मैं जब बन घर जो मैं कमर के पीड़ है जे हाथ खुटा के खवाई है जे दस किलो है जन वो कहा हिटन से जब मैं सासा मुड़े खने बुझ जो लग जाओ हिटन में के किले नैल तब तब पूछन चाहने में। मेरा नाम उन्नी देवी, मैं ग्राम सभा गजार में बुलानी हूँ। शरीर में मेर ये तो कमजोरी हो रहे तो मैं उकाओ के जब जान चाह तो मेर यह धड़कन बहुत ही हुई और सिर घुमा रहा हूँ बहुत ज़्यादा और कभी कभी मेर खुर अपने फिर रिंग जो जा, तो मैं यह चाह कि मेरे शरीर में हो रहा नैल को मैं तक पूछन चाहती हूँ। मेरा नाम नंदी देवी सर, मैं गजार में बुला रही हूँ। उका हिटीन ने उका हिटन में सा लग जा बहुत सासा मुँह में पीड़ जाए खुटाएँ खवाई हैं कभी सिर दर्द हो जा खुआर पीड़ इलाज में चली रहो कभी अनुभव की इलाज न चलन दवाई चले रहे की कारण से। ये आप लोगों ने जो भी बताए हैं ये सब कमजोरी और खून की कमी के लक्षण हैं, ज़्यादा काम ना कर पाना, ज़्यादा चल ना पाना, सिर में दर्द होना, थोड़ा सा चलने पे सांस फूलने लगना, धड़कन तेज हो जाना, ये सारी जो रहते हैं खून की कमी के लक्षण हैं। आपको अपना खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने में आपको सारी चीज़ें खानी है घर में और सबके साथ में, जैसे महिलाएँ क्या होती सबसे आखिरी में खाना खाती हैं जो बच्चा कुचकुचाई खाती है, तो आपके हिसाब से सारी चीज़ें आपको खानी है और अपना ही ख्याल रखना, क्योंकि आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके घर कौन ख्याल रखेगा, तो आपको अब सबसे पहले तो इंसान को खाने पीने का और आराम का ध्यान रखना होता है।
काम तो ज़रूरी आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, लेकिन आपको शरीर का अपना ध्यान रखना है। थोड़े दिन में आराम कर लीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, खाने पीना अच्छे से संतुलित आहार कीजिए, दालें खाइए, सब्जियां खाइए और जो भी ज़रूरी पदार्थ होते हैं, तो वो आपको ये सारे लक्षण खून की कमी के हैं। अगर हो सकता है तो आप डॉक्टर के पास एक बार जाइए। घर में आपको दवाई घर में जो उपाय होता है, गुड़ खा सकते हैं। गुड़ और चना जो होता है ये आयरन के स्रोत होते हैं। गुड़ आप दिन में अगर थोड़ा थोड़ा सा दिन में 2-3 बार अगर गुड़ खाते हैं तो इससे भी आपका आयरन बढ़ता है। अगर फिर भी बहुत तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर की सलाह से आयरन फॉलिक एसिड की दवाई खा सकते हैं। मेरा नाम देवकी देवी सा कि कहने मेरा पेट लगा पीड़ उठे कतु इलाज करिया कतु का हलरन दिखा कोई अंतरन होने रह पेट शक हो जा खांसू न सका हूँ न खानू सका हूँ तय उपाय क्यों हो। अगर पेट टाइट है उसके साथ साथ और भी देखना पड़ेगा कि क्या गैस खट्टी डकार आती है, क्या बहुत ज़्यादा डकार आती है खाने का, तो इस सब में हो सकता है कि उनको एसिडिटी हो, मतलब गैस्ट्रिट होता है ना, गैस्ट्राइटिस ये तो हो गया हो, तो एसिडिटी का हो सकता है। तो उनको ये बोलना है कि दिन में बहुत पानी पियो और खाना पीना भी थोड़ी देर में खाना पीना कुछ खाते रहना चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए। तो अगर इसके साथ इन सारे पेट में सख्त है, अगर उसके साथ साथ अगर और भी सिम्टम और भी अगर लक्षण दिख रहे हैं जैसे कि पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होना, छाती में नीचे जो जलन होता है उसके साथ साथ खट्टी डकार आना, तो हो सकता है आपको एसिडिटी की शिकायत हो, तो इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी। और ये कोशिश कीजिए कि फिर लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है। मेरा नाम दीपा देवी सर, मैं ग्राम बूढ़ी बना मेरा, और मेरे एक सवाल छ जो मेरे पाचन तंत्र सही नहीं थे, किले कि बहुत परेशान रहो मैं, खा फिर परेशानी, नखन तबले परेशानी, और रद्यान उठूँ गुनगुन पान पियूँ, और ब्याह भी गुनगुन पान पियूँ, अजवाइन ने फंकी मार भी पान पियूँ, और तबले मेरे पाचन तंत्र सही नहीं रहन, एक उल में बहुत परेशान छ, एक जानकारी में लेन चाह कि क्या एक उपाय छ। एसिडिटी के तो अभी है, जैसे पाचन तंत्र ठीक नहीं है, आपको बहुत एसिडिटी है, डकार है, तो इसकी दवाई होती है डॉक्टर के पास जा करके, वो आपको 7-8 दिन की दवाई देंगे, वो खाने के बाद फिर आपको डाइट बोलेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से गैस बनती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आप डॉक्टर से एक बार अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, और डॉक्टर सलाह की ज़रूरत है आपको। मेरे नाम से देख के तो मेरे मतलब दिल की धड़कन ज़्यादा से तने ये मेरे का मतलब क्या दिक्कत है मुझे यह बतवा दूँ। आप कह रही है दिल के धड़कन बहुत तेज़ है और पैरों में भी बहुत दर्द होता है, तो ये भी यही कमज़ोरी और खून की कमी के लक्षण हैं। और हड्डी में दर्द है तो ये हड्डी में दर्द होना, ये उम्र बढ़ रही है, आपने जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं, तो हड्डियों में दर्द होना वगैरह बहुत आम बात है। तो इसके लिए हम कैल्शियम खा सकते हैं, कैल्शियम की दवाई खा सकते हैं, और घर में अगर आप करना चाहते हैं तो और दूध वगैरह आप खाइए, दूध अंडे मांस मछली वगैरह आप खाने पीने का ध्यान रखना है। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम की टैबलेट्स खा सकते हैं। मेरा नाम श्रीमती मुन्नी बिष्ट है, मैं गुजार में रहनी छूँ कि मतलब मैं जानन चाहूँ कि बच्चे दिन में ट्यूमर किले हो जाए और ये तो परेशानी में मगर खुद भ मतलब मैं ऑपरेशन ला कर रखा अपन पूर्व बच्चे दिन निकालने की जरूरत पड़ी, तो ट्यूमर का मेन कारण सबसे पहले किस बेर मतलब मैं डॉक्टर के पास जानना चाहूँ कि आने वाले समय में ताकि महिला सुनो कि हमार महिलाओं को तो दिक्कत ना हो, तो जानकारी लेन चाहूँ मैं। बच्चेदानी में ट्यूमर होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, वो तो अब कैंसर है ना, अब कैंसर होने में बहुत सारे ये तो कुछ वंशानुगत भी होते हैं, तो बहुत सारे कारण होते हैं। उनको बचने का उपाय ये है कि अगर पहले से ही कोई छोटी सी गांठ है, लग रहा है अगर माहवारी अनियमित है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बार बार अगर ब्लीडिंग हो रही है, छोटी सी अगर कभी टेस्ट कराने में छोटी सी गांठ पता चल रही है, तो आपको तुरंत आगे बड़े हॉस्पिटल में जाकर के पूरी जांच करानी चाहिए। हो सकता है कि वो ट्यूमर ही हो, तो ज़्यादा बड़ा होने से पहले हम इसको निकाल सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कमला बिष्ट है, मैं बूढ़ी बना में बुलानी हूँ। जब मुझे पी लिया भाव मेरा आँखा पिहाओ पर नजर न, और मेरा नहरों पर उनका बहुत ही पीड़ है, एक ही कारण हो सको क्या उपाय हो सको एक आँखों में अगर पीलापन रह गया है, तो एक बार आप खून के जांच करने की ज़रूरत है ना, खून की कमी में भी आँखों में पीलापन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पीला तो जैसे पीलिया में बहुत पीला हो गया होगा, अब तो उतना पीला नहीं रह गया होगा, तो एक बार फिर भी खून की जांच करा लेते हैं कि खून की जांच करा के देख लीजिए, अगर खून की कमी है तो खून की कमी की दवाई खाने से ठीक हो जाएगा।
और दूसरा है कि अगर आपके कंधों में दर्द होता है तो इसका पीलिया और कंधों के दर्द से तो कोई रिलेशन नहीं है। तो आपके काम करने का तरीका, अगर आप कैसे बैठते हैं, किस पोजीशन में बैठ के काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप दिन भर सिर झुका करके बैठे बैठे सिर झुका कर काम करते हैं तो कंधों में दर्द होना आम बात है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, सिकाई करनी चाहिए, मलहम लगा के मालिश करनी चाहिए तो ठीक हो जाएगा ये। मेरा नाम गंगा देवी सो, मेरा नाक में क्या बहुत पीड़ है, ये क्या उपाय सो, और मेरे प्याव का दम खुश दे नाला बुझी जा, और ये गाँव में मालता हुई में पीड़ लगे, और ये बात ये 10-12 साल हो गई, क्या उपाय बता सकता, ये उपाय बता दिया। अगर रात को सोने के समय में अगर दम घुट रहा है और नाक में बहुत दर्द होता है तो आप सोने का जो पोजीशन होता है वो चेंज कर सकते हैं, लेटने का पोजीशन ना, तो आप तकिया को थोड़ा हाई लगा सकते हैं। अगर रात में अगर दम घुट रहा है, सांसने में तकलीफ हो रही है तो उठ करके आप नीचे आगे की तरफ झुक करके लंबी सांस ले सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। पर नाक में अगर दर्द हो रहा है तो अंदर हो सकता है नाक की जो नली होती है ना वो संकरी हो, तो उसमें भी रात को सोने के टाइम पर रात को वो दर्द होने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जैसे आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो आप रात को सोने के समय का उपाय कर सकती हैं कि थोड़ी देर में, अगर आपको सीधे सोने में ही ज़्यादा दम वो घुटता है ना, तो आप आधे समय इधर करवट बदल के कर सकते हैं। बहुत दम घुटता है तो उठ करके आप रात में उठ करके अपने आगे की तरफ बैठ करके आगे की तरफ झुक करके लंबी लंबी सांस लीजिए, और आप लंबी लंबी सांस लेने वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बैठे बैठे नाक से सांस लेके लंबी सांस लेके नाक से छोड़ करके ऐसा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मेरा नाम सुशीला बिष्ट है और मेरा सवाल ये है कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और वो दर्द कभी कभी इतना तेज़ हो जाता है कि एक हफ्ते तक दर्द ही रहता है, और वो दर्द कंधे से सीधे सर तक आता है और कभी कभी आधे सर में होता है, तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे तो मैं सर दर्द से बचने के लिए दवाई भी खाती हूँ, लेकिन ज़्यादा दवाई खाने से भी दर्द ठीक नहीं होता है, तो उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं घरेलू उपाय या वैसे कुछ उपाय कर सकती हूँ? जो ये सिर में दर्द हो रहा है और आपको लग रहा है कि कंधों तक चला जा रहा है, तो ये जब पढ़ने लिखने वाले जो उम्र के बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर ज़्यादा चलाते हैं या सिर नीचे झुका करके दिन भर पढ़ते हैं, तो ये में बहुत ही कॉमन बहुत आम बात है ये। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो गले के कंधे के एक्सरसाइज होते हैं वो आप करना, बहुत देर तक सावधानी ये रखनी है कि बहुत देर तक सिर झुका करके नहीं पढ़ना है। अगर हो सके तो आप टेबल में रख करके या आँखों के सीध में रख रख के अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं काम कर रहे हैं तो थोड़ा सिर ऊपर रखना, बहुत ज़्यादा गला झुका करके नहीं काम करना है। और कंधों में अगर आपको जलन हो रही है, मतलब सिर में दर्द होने के थोड़ी देर बैठने के बाद कंधों में जलन, कंधों में दर्द हो रहा है, तो ये आपको हो सकता है कि जो गले की जो हड्डी है वहाँ पर, उसके साथ साथ अगर हाथों में भी दर्द हो रहा है तो हो सकता है गले के जो बीच में हड्डियाँ होती है उसमें नसें जो वो दब रही हों, इसलिए वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है। तो इसको लिए आपको यहाँ पे कंधे में सिकाई करनी चाहिए गर्म पानी से दिन में 2 बार, और कंधे का एक्सरसाइज गोल घुमाना आगे पीछे, गले को चारों तरफ गोल घुमाना, ऐसा करने से ये धीरे धीरे ठीक होगा। और पढ़ने के अगर एक पोजीशन में बैठे हुए हैं तो बीच बीच में आपको गला घुमाते रहना चाहिए, बीच बीच में कंधे घुमाते रहने चाहिए, तो इससे आप परेशानी से बच सकते हैं। नमस्कार, हम गंगा देवी सो, मेरे कान में बहुत पीड़ है, कदने बहुत पीड़ है, कदने कम हो जाए। कान में दर्द है और ये हो सकता है कान में दर्द है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कान में अगर पीप भी आता होगा, पस अगर आता होगा तो हो सकता है ये इन्फेक्शन हो गया है ना अंदर। तो इसके लिए अभी ये कान में जैसे लोग तेल डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, कान में किसी भी तरह का तेल वेल कुछ भी नहीं डालना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेकर के डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो डालना चाहिए। दर्द के साथ साथ अगर और भी कोई तकलीफ है, बुखार आ रहा है या कान से पीप आ रहा है तो ये खतरा है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं चिल्बा बुलाने हूँ नंदी देवी, मैं बच्चेदान निकल दी, जब नंदियन होने तब निकल दी, ये मैं के कारण पड़ोल मगे कौस कारण पड़ोल ये परेशानी थे मगे। तो जैसे ये बोल रही है कि बच्चेदानी बाहर निकल जाती है, तो अगर जैसे नीचे के रास्ते से अगर कुछ जैसा लग रहा है कुछ बाहर आ रहा है, कुछ पार्ट जैसा कुछ बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चेदानी बाहर निकल रही है, बच्चेदानी बहुत ढीली हो गई है और बच्चेदानी नीचे की जो मांसपेशियाँ होती है वो बच्चेदानी को एक जगह पर रोक कर नहीं रख पा रही है, इसलिए बच्चेदानी बार बार बाहर आ रहा है। तो इसके लिए मैं यही सलाह दूंगी कि आपको किसी महिला डॉक्टर के पास जाकर, मैं तो ऑपरेशन की ही सलाह दूंगी क्योंकि बच्चेदानी बार बार ये बाहर आ रहा है, तो इस केस में तो सीधे ऑपरेशन ही होता है, बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा।
जिसके आज हमारे कार्यक्रम में कई सवाल छे, कई प्रश्न हमारे महिलाओं मन में उठने छे, जिन्हें जवाब दे डॉक्टर संगीताल। और मैं उम्मीद करूँ कि हमारे जतुगले महिलाओं के सवाल छे वो अपन जवाबों खुश होना और जनु के डॉक्टर नील कुछ राय दिल की वो राय गिला वो जरूर अपन जीवन में अपना लें। तय उम्मीद साथ में हम आज कार्यक्रम के इतनी समाप्त करूँ, अफुदगढ़ फिर से करूँ मुलाकात कोई नई कार्यक्रम में। तब तक नमस्कार।